आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय यूनिक एक्सपेरिमेंट पर। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली बेल को ऑल पे सिलेक्ट करें। और मैं आज आपके लिए और देख सकते हो, मैंने जो आज से 20 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को जो वीडियो डाला था, यानी कि जो इसमें टीथ डाला था, वो अभी भी इसमें ही है। आज है 20 तारीख और मैं आज आपके लिए 20 दिनों के बाद इसका रिव्यू लेके आया हूँ कि इसका क्या हुआ है। इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, पहले जो दांत था ऐसा ही है, यानी कि थोड़ा ब्लैक हो गया है और इस थम्सअप का थोड़ा सा कलर हो गया है, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। तो जो अफवाह उड़ी थी कि 20 दिनों के बाद इस थम्सअप इस टीथ का क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसकी हालत भी आपको दिखा देता हूँ। कहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वही है जो ब्लैक वाला, जो ब्लैक हो गया है, देख सकते हैं आप। इसमें कचरा भी जमा हुआ है, आप देख सकते हैं, और दूसरा कुछ नहीं हुआ है। मैंने 20 दिन तक इसको ऐसे ही बंद करके ऐसे ही रखा था, इसको मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसे ही अलमारी में रख दिया था। तो अभी भी इसको मैं रखने वाला हूँ और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 30 तारीख को, तो देखना मत भूलिएगा 30 दिनों के बाद इस टिक का क्या होगा। तो और मेरे पास आ गया है इतना सारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये रहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इतना सारा है, 1 लीटर से थोड़ा ही कम। पर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया हो मैं इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ क्या करूं, तो मुझे कमेंट पे जरूर बता देना। और ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के वीडियोज़ और यूनिक वीडियोज़ इस चैनल